सब्जेक्ट्स में काफी पढ़ा होगा, तो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं हीट ट्रीटमेंट क्या है। देखिए, इंसान ने जब मान लो मेटल्स लिए, तो मेटल्स को उसकी क्वालिटी को चेंज करने के लिए, उसकी जो एक्चुअल में क्वालिटी थी उसको चेंज करने के लिए काफी सोचा, और जब हीट ट्रीटमेंट किया उसका, हीट ट्रीटमेंट किया तो हमारे पास उसकी क्वालिटीज की कुछ चेंजेस आए। तो वो चेंजेस आए, उसको इंसान ने धीरे धीरे समझा, उसके ग्राफ्स बनाए, उसके प्रोसेसेस समझे, ठीक है। तो वो कैसे हैं? हीट ट्रीटमेंट के बारे में आप नॉर्मली पढ़ते होंगे कि पहले गर्म कीजिए, ठीक है, मेटल को हीट अप कीजिए, और हीट अप एक पॉइंट तक करने के बाद उसे फिर ठंडा कर दीजिए। मैं जब स्टडी करता था तो मुझे बहुत टेंशन थी इस बात की कि एक चीज को जब आप गर्म कर रहे हैं और दोबारा ठंडा कर रहे हैं, उससे हमें क्या फायदा मिल रहा है। हमें जैसे मैंने पुरानी वीडियो में सारा दिखा रखा है कि आयरन कार्बन डायग्राम जो है, तो आयरन कार्बन डायग्राम एक बार जरूर देख लीजिए, उससे आपको काफी क्लैरिटी आ जाएगी, हीट ट्रीटमेंट को भी जल्दी समझ आ जाएगा। तो हमें ये आयरन कार्बन डायग्राम में समझाया गया कि हमारे पास अल्फा आयरन होता है, सबसे पहले फेराइट आयरन होता है, उसको हम A3 लाइन, ठीक है, एक लाइन है जिसको हम क्रॉस कर लें तो वो गामा आयरन बन जाता है। अब अल्फा से गामा में चेंज हो गए जब हमने गर्म किया, और जब फिर ठंडा करेंगे, ठीक है, ठंडा करेंगे तो फिर वापिस आता है, स्ट्रक्चर में चेंजेस आते हैं। तो हमारी वो चेंजेस जो है वो हमने वो समझनी है, कैसी कैसी चेंजेस आएंगे जब हम गर्म करेंगे, ठीक है। मान लेते हैं इस तरह से एक हमारे पास कोई मेटल है, इसको हम हीटअप करते हैं, इसको हम हीटअप करते हैं, हीटअप करने के बाद यहां पर ये मेटल का टेम्परेचर मान लेते हैं कि 800 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया हमने, ठीक है। आपने देखा होगा रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर एक होता है, तो हमारे पास मान लेते कि 800 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो गया और इसको हमने ठंडा करना है। अब ठंडा करने की प्रोसेस बताएगी कि ये कैसा इसका स्ट्रक्चर में चेंज आएगा। पहला, अगर मैं इस 800 डिग्री टेम्परेचर वाले किसी मेटल को मैं सिर्फ इसमें फर्नेस के अंदर ही ठंडा करूं, फर्नेस में ही पड़ा रहने दूं, और देखिए चाहे एक दिन लग जाए, दो दिन लग जाए इसे ठंडा होने में, ठीक है, फर्नेस के अंदर पड़ा रहे, लेकिन अगर ये फर्नेस के अंदर ही ठंडा हो रहा है, ठीक है, तो हम इस जो प्रोसेस है इसको एनीलिंग बोलेंगे, एनीलिंग बोलेंगे, एनीलिंग बोलेंगे। और इससे होता क्या, इससे स्ट्रेस रिलीव होती है। देखिए, जब आप किसी लोहे, जैसे लोहा है, हम वायर्स बनाते हैं, हम पाइप को खींचते हैं, ड्राइंग करते हैं, ठीक है, पाइप ड्राइंग करते हैं, तो जब उसे खींचते हैं तो उसके अंदर स्ट्रेसेस आ जाती हैं। उस स्ट्रेसेस को रिलीव करने के लिए हम एनीलिंग करते हैं उसे। अब जो 800 डिग्री सेंटीग्रेड वाला था उसको फर्नेस के अंदर ही पड़ा रहने दिया, धीरे धीरे ठंडा हो गया, उसके कारण उसके स्ट्रेसेस रिलीव हो जाते हैं, अब उसके अंदर स्ट्रेस नहीं है। मतलब उसको जब जॉब में लेके जाएंगे, काम पे लगाएंगे, कहीं कंपोनेंट उसका लगाएंगे, तो उसमें स्ट्रेस नहीं होगा और ज्यादा लोड सहन कर सकेगा और ज्यादा वो स्ट्रेंथ होगी उसकी। अब एक चीज बताता हूं आपको, अगर आपको एग्जाम्पल अच्छी लगे तो बताना। जैसे हम हमारे मसल्स पुल हो जाते हैं कई बार, जैसे क्रिकेट खेलते हैं, कोई और गेम खेलते हैं, तो हमारे पास मसल पुल हो जाते हैं। मान लीजिए कि लेग में आपका जो लेग के मसल्स है वो खिंच गए, तो आपके वहां लेग में दर्द होने शुरू हो गया। अब उसके लिए क्या करते हैं, मूव लगाते हैं। देखिए, मूव भी एक तरह एनीलिंग का काम करता है। जब आप मूव लगाते हो ऊपर, तो उसको आराम, हम एक पट्टी बांध लेते हैं। पट्टी क्यों बांधते हैं, ताकि हवा न लग सके उसके ऊपर, और उसमें गर्माइश आती है, और वो गर्माइश पहले क्या होता है कि ज्यादा गर्म होगा और धीरे धीरे फिर वो ठंडा हो जाएगा और मसल्स आपको रिलैक्स मिल जाएगा। आप कहते हो कि मेरे मसल्स को रिलैक्स मिल गया, वो क्या हुआ, वो स्ट्रेस रिलीविंग होगी। तो इसी तरह हमने एनीलिंग में क्या करना है, स्ट्रेस रिलीविंग ऐसे करनी है। अब वही जो हमारा 800 डिग्री टेम्परेचर वाला कोई
मेटल था मैंने यहां पे रखा हुआ है, इसको ओपन एयर में रख दें, ओपन एयर में रख के ठंडा होने दें। देखिए यहां हवा नहीं लग रही है, यहां हवा लग रही है, तो नॉर्मल है कि ये जल्दी ही ठंडा हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसे क्या कहते हैं, नॉर्मलाइजिंग, इसे कहते हैं नॉर्मलाइजिंग, नॉर्मलाइजिंग जब ओपन एयर में ठंडा होने दे। अब तीसरा, अब इसी 800 डिग्री सेंटीग्रेड वाले मेटल को ठंडा करने का एक और तरीका है कि सीधा उठाओ इसे और पानी के एक टब में डाल दो, या ऑयल, मतलब कोई ऑयल है आपके पास उसमें ये क्वेंच कर दो, इसको क्वेंचिंग करना कहते हैं। तो आप उसको मेटल को सीधा ठंडा कीजिए, ठीक, कितना रैपिड होगा, कितनी आवाज आएगी, इस तरह से आवाज आती है। तो जब पानी में इतना ज्यादा गर्म चीज डाल दोगे तो उससे क्या होगा, क्वेंचिंग से जल्दी ठंडा हो जाएगा, जो मेटल है जल्दी ठंडा हो जाएगा और वो हार्ड हो जाएगा। तो वो जो मेटल है मैंने क्या किया, 800 डिग्री सेंटीग्रेड वाला था, उसको मैंने ऐसे ऑयल बाथ में डाल दिया, ऑयल बाथ में डाला। तो हमारे पास ये वाला जो है इसको कहते हैं हार्डनिंग, हार्डनिंग। तो आप एक छोटी सी एग्जांपल फिर दूंगा, तो आप जैसे मान लो ठंडी बहुत ज्यादा सर्दी के दिन है, आप नहा के निकले हैं गर्म पानी से, ठीक है, गर्म पानी, फुल गर्म पानी से नहा के निकले हैं, और एक बंदा आया आपका दोस्त हॉस्टल में, आपको पता ही है कितने पंगे होते रहते हैं, तो आप गर्म पानी से नहा के निकले, एक आपका दोस्त आया ठंडे पानी की बाल्टी आपके ऊपर डाल दी, तो आपका क्या होगा, क्वेंचिंग कर दी उसने और आप हार्ड हो जाएंगे वहीं पे, ठंड से हार्ड हो जाएंगे वहीं के वहीं, अकड़ जाएंगे आपके मसल्स, अकड़ जाएंगे वहीं के वहीं। नहीं ऐसा फील हुआ तो करके देख सकते हैं, आप अपने पे नहीं करना चाहते तो किसी दोस्त के ऊपर कर सकते हो। तो ऐसे जब करोगे तो वो हार्ड बन जाएगा, वो चीज हार्ड बन जाएगा। अब इतनी हार्ड बन जाती है इसने हार्डनिंग से कि उस पर काम नहीं कर सकते कोई और, तो इसके लिए क्या करते हैं, इस हार्डन प्रोडक्ट को दोबारा से हीट अप करके नॉर्मल तरीके से ठंडा करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, टेम्परिंग। तो दोबारा इसे हल्का गर्म करके और दोबारा हवा में ठंडा करते हैं और इसको क्या कहते हैं, टेम्परिंग। देखिए ज्यादा हार्डनेस होने के कारण, ज्यादा हार्डनेस होने के कारण इसको जब भी आप यूज करोगे तो जल्दी टूट जाएगा, तो हम उसकी क्या करते हैं, टेम्परिंग कर देते हैं। हार्ड है प्रोडक्ट, हार्डनेस उसकी बढ़ा चुके हैं, अब टेम्परिंग से क्या होगा, उसमें थोड़ी डक्टिलिटी आ जाएगी ताकि उसको कहीं पे यूज करना आसान हो सके, जल्दी टूट ना जाए। तो इस तरह से हमारे पास ये चार प्रोसेस है, एनिंग, नॉर्मलाइजिंग, हार्डनिंग और टेम्परिंग। आपको समझ आया या नहीं आया आप जरूर कमेंट में मुझे बताइए, ताकि मुझे पता लग सके कि आपको मेरा पढ़ाया समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। थैंक यू सो मच।